हाँ बच्चों, आज मैं क्लास 12th में नेम्ड रिएक्शन की अगले वीडियो लेकर आया हूँ, जिसमें कि तीन चार इंपॉर्टेंट रिएक्शन होगी। सबसे पहला है रोजन मुंड अपक्रिया, यानी यहाँ पे इस वीडियो में वो नेम्ड रिएक्शन है जिसमें केवल एल्डिहाइड जिसके द्वारा बनाया जा सकता है। कभी कभी अच्छे पेपर में ऐसे दे दिया जाता है कि कौन सा इसमें नेम्ड रिएक्शन है जो केवल एल्डिहाइड उससे बनाया जा सकता है, तब आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। तो जो इस वीडियो में है उसके द्वारा सिर्फ और सिर्फ क्या बनेगा, एल्डिहाइड बन सकता है, कीटोन नहीं बनेगा। आप देखेंगे क्या है इसमें रोजन मुंड अपक्रिया में, आप कहेंगे क्या है, तो आप कहेंगे किसी भी एसिड क्लोराइड की रिएक्शन जब पैलेडियम BH4 की उपस्थिति में हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करते हैं तो यह एसिड क्लोराइड एल्डिहाइड में परिवर्तित हो जाता है। रोजन मुंड अपक्रिया क्या होती है, कोई भी आप लेंगे एसिड क्लोराइड जैसे RCOCl, इसका जो पैलेडियम BaSO4 की उपस्थिति में हाइड्रोजन गैस अगर प्रवाहित करते हैं, ये एसिड क्लोराइड को लेंगे, इसमें हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करते हैं किसकी उपस्थिति में, पैलेडियम BaSO4 के, तो जो COCl ग्रुप है पूरा वो CHO में चेंज हो जाएगा, यानी कि अब क्या प्रोडक्ट बना लेगा, RCHO एल्डिहाइड। और यह रिएक्शन केवल एल्डिहाइड के लिए, केवल आप इससे एल्डिहाइड बना सकते हैं, कीटोन इससे नहीं बना सकते हैं। तो रोजन मुंड अपक्रिया क्या कहती है कि किसी भी एसिड क्लोराइड को अगर पैलेडियम BaSO4 की उपस्थिति में हाइड्रोजन गैस प्रवाहित किया जाता है तो बनने वाला जो उत्पाद होगा वो क्या होगा, एल्डिहाइड होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर आप ले लीजिए, यहां पे जैसे हमने ले लिया CH3COCl, इसका नाम क्या है, एसिटिल क्लोराइड। इसका नाम क्या है, एसिटिल क्लोराइड, यानी आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि एसिड क्लोराइड भी लिख सकते हैं या एसिटिल क्लोराइड भी लिख सकते हैं, यानी ये है एसिटिल क्लोराइड, एसिटिल क्लोराइड या एसिड क्लोराइड। इसका रिएक्शन आप करा देंगे H2, इस पर हाइड्रोजन गैस प्रोवाइड कर रहे हैं पैलेडियम BaSO4 की उपस्थिति में, BaSO4, तो जो प्रोडक्ट बनेगा CH3CHO+HCl, ये प्रोडक्ट बनेगा। यानी आप एक देखते हैं कि यहां से बांड टूटता है, ऐसे एक एच इसको चला जाता है और एक एच इसको चला जाता है, तो आप देखेंगे CHO बन जाता है, इसके साथ जुड़ जाता है और एक एच इसके साथ आ जाता है, ये प्रोडक्ट बनता है। लेकिन आपको नेम्ड रिएक्शन में जो साइड प्रोडक्ट होते हैं उसका कोई रोल नहीं है, आप HCl लिखे चाहे ना लिखे उसका कोई, जैसे यहाँ पे मैंने जो मेन रिएक्शन लिखा है यहाँ पे देखिए HCl नहीं लिखा, चाहे आप यहाँ पे प्लस HCl लिख सकते हैं, लेकिन जब नेम्ड रिएक्शन होती है तो वहां पे केवल जो मुख्य उत्पाद बनता है उसी को दिखाया जाता है। अगर आप एक दिखा दें गलत नहीं हो जाएगा, लेकिन यह कि उससे आपकी समस्या थोड़ी बढ़ सकती है आपको याद करने में। आपको मेन प्रोडक्ट याद रखना है कि जब जैसे यहां से एसिड क्लोराइड लिया आपने, यहाँ पे जैसे PDBSO4 कौन सा किसका कार्य करता है, उत्प्रेरक का कार्य करता है, ये पूछ लिया जाता है कि रोजन मुंड अपक्रिया में पैलेडियम क्या करता है, तो उत्प्रेरक कार्य करता है, और BaSO4 जो कार्य करता है ये विष उत्प्रेरक का कार्य करता है, विष उत्प्रेरक, ये एल्डिहाइड को फिर से रिड्यूस होने में बचाता है। यानी क्या, इसका नाम ही है रोजन मुंड अपक्रिया, यानी ये क्या हो रहा है, इसका अपचयन हो रहा है, यानी एसिड क्लोराइड जो डेरिवेटिव ऑफ एसिड है इसका अपचयन हो रहा है किसमें, एल्डिहाइड, ये मेन चीज है। और आपको पैलेडियम पूछा जाता है उत्प्रेरक कार्य करता है, विष उत्प्रेरक कार्य करता है, ये है। दूसरा रिएक्शन देखिए आप, ये पहली रिएक्शन थी एल्डिहाइड बनाने की। दूसरा रिएक्शन है स्टीफन रिएक्शन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। आप देखेंगे जितने भी हमने 25 से 30 रिएक्शन बताया आपको, जो 5 से 6 वीडियो में पहुंच जाएगी, उसी में से बोर्ड में सारे क्वेश्चन लगभग आपको मिल जाएंगे। अब देखेंगे कि स्टीफन रिएक्शन क्या है, या ईटा 3 इसमें पढ़ाएंगे, पर स्टीफन देख लेते हैं हम, स्टीफन अक्रिया अभिक्रिया, ये सारी अक्रियाएं जो हैं इसका नाम होता है स्टीफन रिएक्शन, या रिडक्शन भी कह सकते हैं इसे, अपचयन रिडक्शन, रिडक्शन रिएक्शन, यानी इसको कह सकते हैं स्टीफन अपचयन अपक्रिया, इसका नाम पूरा होता है स्टीफन रिडक्शन रिएक्शन। इसमें क्या करते हैं, इसमें नाइट्राइल का अपचयन कराते हैं, एल्किल नाइट्राइल का अपचयन कराते हैं किसके प्रेजेंस में,
स्टेनस क्लोराइड के साथ कंसंट्रेट या सीएल की उपस्थिति में। आप देखेंगे क्या होता है इस डिफरेंट रिडक्शन में, इसमें कोई भी एल्किल नाइट्राइल आप लेते हैं, एल्किल नाइट्राइल जैसे हम सिंपल रिएक्शन है, मेन रिएक्शन ही लिख देते हैं, जैसे CH3CN हमने ले लिया, ये क्या है एल्किल नाइट्राइल या मेथिल नाइट्राइल या मिथाइल नाइट्राइल भी कहते हैं या मेथिल साइनाइड भी कह सकते हैं, इसके दोनों नाम होते हैं क्या है एल्किल। अब इसका रिएक्शन जब हम कराएंगे SnCl2 कंसंट्रेट HCl के साथ, आपको यह समझना है ठीक। अब यहां पे ये भी क्या करता है अपचयन कराता है, क्या थोड़ा सा स्पेस दे देते हैं CH3CN, और आपको पता है कि CN में क्या होता है ट्रिपल बॉन्ड होता है, इसका अपचयन कराएंगे तो यहां पे H2 जुड़ेगा, एक बॉन्ड टूटता है एक एच इसको मिल देगा और एक एच इसको मिलता है, इसके साथ जुड़ जाएगा क्या बन जाएगा यहां पे देखेंगे CH3CHNH ये बन गया। इसका फिर कराएंगे हाइड्रोलिसिस H3O+, इसका नाम होता है इमीनो नाइट्राइल कर सकते हैं इसको, या पूरा आप देखेंगे यहां सीएल जुड़ जाता है, ये कॉम्प्लेक्स बनाएगा CH3CHNH, इसका हाइड्रोलिसिस करा देंगे तो ये जो पूरा ग्रुप है CHO में चेंज हो जाता है, यानी कि बना लेगा CH3CHO, यानी ये बन गया एसिटिल डिहाइड, ये क्या बन गया एसिटिल डिहाइड ये पाउडर बनता है। तो स्टीफन रिएक्शन में आपको ये भी याद करना है कि कौन सा इसमें अभिकर्मक यूज किया जाता है, ये भी डायरेक्ट पूछा जाता है कि स्टीफन रिडक्शन में यानी कि स्टीफन अभिक्रिया या स्टीफन अपचयन अभिक्रिया में जो कौन सा अभिकर्मक है, क्या है अभिकर्मक है, तो SnCl2 कंसंट्रेट या Cl2 उपस्थिति में कराते हैं, फिर इसका हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो क्या प्राप्त होता है आपको एल्डिहाइड, इसमें भी देखिए एल्डिहाइड मिल रहा है, इसमें भी एल्डिहाइड मिला। तो स्टीफन अभिक्रिया क्या है, वो अभिक्रिया जिसमें एल्किल नाइट्राइल स्टेनस, इसका नाम क्या था स्टेनस क्लोराइड और कंसंट्रेट Cl की उपस्थिति में इसकी अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है इमीनो बनेगा एल्किल इमीनो, इसका हाइड्रोलिसिस करा देंगे तो क्या बन जाएगा एसिटल डिहाइड बन जाता है। ये दो रिएक्शन इंपॉर्टेंट हो गए आपके, यहां कोई भी आप ले सकते हैं। इसके बाद हम इटार्ड रिएक्शन देखेंगे, इटार्ड रिएक्शन यहां पर चाहे तो आप ये भी देख सकते हैं, पूरा अगर लिखना चाहे तो यहां प्लस NH4Cl भी लिख सकते हैं, क्योंकि जो यहां पर Cl है यहां पर ऐड कर सकते हैं आप, अगर यहां पे Cl ऐड कर देंगे तो यहां पे प्लस NH4Cl भी हो जाएगा, लेकिन आपको मेन रिएक्शन इतना ही बनाना है। अगले रिएक्शन है, पहले इसको देख लीजिए पूरा अच्छे से, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है स्टीफन रिएक्शन, इस वजह की इटार्ड रिएक्शन। इटार्ड रिएक्शन में क्या होता है, इसमें भी एल्डिहाइड बनेगा, ये तीनों नेम रिएक्शन में आपको एल्डिहाइड प्राप्त होता है। अगर क्वेश्चन आपसे पेपर में दे दिया जाए कि इनमें से कौन सी नेम रिएक्शन है जो एल्डिहाइड देती है या एल्डिहाइड नहीं देंगी, तब आपका क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। अगर आपको पता नहीं है कौन कौन सी रिएक्शन, जैसे गटरमान कोच रिएक्शन उससे भी एल्डिहाइड बनता है, चार पांच रिएक्शन होती है जो केवल एल्डिहाइड उससे मिलता है। इटार्ड अभिक्रिया, ये भी बहुत पूछी जाती है कि इटार्ड अभिक्रिया क्या है, इटार्ड रिएक्शन। देखिए इटार्ड रिएक्शन में क्या होता है, इसमें जो एरोमेटिक कंपाउंड होता है जैसे टालुइन बेंजीन पर कोई भी एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ है तो उसका क्या हो जाता है, इसमें एल्किल ग्रुप जो CH3 होता है वो CHO में चेंज हो जाता है क्रोमिल क्लोराइड के उपस्थिति में। सबसे पहले देख लीजिए इसमें क्या है, इसमें जैसे टालुइन लेते हैं, कोई जरूरी नहीं कि टालुइन हो, कोई भी बेंजीन के ऊपर एल्किल ग्रुप हो वो सीधा सीधा चेंज हो जाता है CHO ग्रुप में। अगर इसका रिएक्शन हम कराते हैं किससे, CrO2Cl2 जो प्रेजेंस लेंगे CH2 या
कोई भी नॉन पोलर सॉल्वेंट लेंगे यहाँ पे, CH2 ले लेते हैं जैसे, इसका नाम होता है टालुइन, टालुइन, इसका नाम है क्रोमिल क्लोराइड, इसका नाम क्या है, क्रोमिल क्लोराइड, क्लोराइड, क्लो क्लोराइड, क्रोमिल क्लोराइड हो गया। अब इसका जब रिएक्शन कराते हैं तो यहां से जो तीन यहाँ पीएच लिखा दो या छटेंगे, इसके साथ क्या कॉम्प्लेक्स बना लेंगे जिसको क्रोमियम कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, तो बना लेगा यहां पे CH CH, ये बेंजीनिंग हो गया। अब यहां पे जो क्रोमिल क्लोराइड है यहां पे दो या छटेगा यहां पे जुड़ जाएगा, जैसे हो जाएगा OCRO HCl2, ये बना लेगा। अब इसका फर्दर क्या हो जाता है, हाइड्रोलिसिस हो जाता है, यानी H3O+। अब पूरा का पूरा क्या है, क्रोमियम कॉम्प्लेक्स क्या कहलाता है, क्रोमियम, क्रोमियम यौगिक, क्रोमियम यौगिक, क्रोमियम यौगिक है। इसका हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो क्या बना लेता है, CHO, यानी कि बन जाएगा आपका बेंजल डिहाइड, ये बन गया आपका बेंजल डिहाइड, बेंजिल डिहाइड, ये हो गया बेंजिल डिहाइड। ये है इटार्ड रिएक्शन। ये बहुत पूछी जाती है कि इटार्ड रिएक्शन क्या होता है, तो आप कहेंगे जब टालुइन की अभिक्रिया क्रोमिल क्लोराइड के साथ कोई भी नॉन पोलर सॉल्वेंट जैसे CH2 या CH4 की उपस्थिति में कराते हैं, तो ये पहले क्रोमियम कॉम्प्लेक्स बनाता है, फिर फर्दर उसका हाइड्रोलिसिस कराने के बाद, जल अघटन कराने के बाद बेंजल डिहाइड प्राप्त होता है। ये तीन मेन रिएक्शन है, और भी इसमें जैसे कोलबे रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, स्मिट रिएक्शन क्या है, कई सारी रिएक्शन होती है, लेकिन यहाँ पे तीन आपको हमने बताया अभी, कौन कौन सी, एक इटार्ड रिएक्शन हो गई, स्टेफन रिएक्शन हो गया, अभिक्रिया हो गई, और एक आपकी जो सबसे पहले बताया कौन सा, वो तीनों आपको याद करना है। जैसे आपको अभी बहुत सारी रिएक्शन, क्रेजन कंडेंसेशन है, एल्डाल कंडेंसेशन है, और इसके बाद आपको तीसरे वीडियो में 4 से 5 रिएक्शन और आएगी। थैंक यू, धन्यवाद।